हम सही रास्ते पे तो है ना? पूछ लेते एक बार इनसे। एक्सक्यूज मी। जी बोलिए। डू यू नो, मतलब हमें अनु के यहाँ जाना है। गो स्ट्रेट एंड देन टेक अ फर्स्ट लिफ्ट। बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए तो उसे शहर में होना चाहिए। वही तो, कॉलेज में पढ़ते वक्त इतने बड़े सपने थे उसके, पता नहीं गांव में कैसे सेटल हो गई। सो अनु, तुमने क्या सोचा है? तुम्हारे कोई फ्यूचर प्लान्स? मैं एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा करना चाहती हूँ जो अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट हो। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो और जो मीलों तक फैली हो। जिसमें मेरे देश की मिट्टी की खुशबू हो। जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी हो। और जहां मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकूं। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हुए मैं एक टीम को लीड कर सकूं। और कई परिवारों की जिंदगियों में परिवर्तन ला सकूं। मुझे एहसास है कि यह आसान नहीं होगा। अनजाने रास्ते, अनजानी टेरिटरीज, कई और चुनौतियां। अनु, कुछ प्रैक्टिकल सोचो। दो ही आते तुम्हारे। लेकिन अनु है कहाँ? आखिरकार इतने सालों बाद गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है तुम सबको यहां देख के। क्या हुआ, कुछ बोलो। ये एक सच में काफी बड़ा कारोबार है अनु, तुम सही मायने में एक एग्रीप्रेन्योर बन गई हो। लेकिन ये किया कैसे, कहां से सीखा ये मल्टीटास्कर होना? दादी, दुर्गा माँ के इतने सारे हाथ क्यों होते हैं? क्योंकि वो अकेले ही ब्रह्मांड के सब काम एक साथ कर सकती हैं। क्या मैं भी दुर्गा माँ बन सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। दुर्गा माँ कहती हैं हर स्त्री में वो क्षमता होती है। नमस्ते शरण्य सानुकंपे जगद व्या असंभव को संभव करने का साहस जब वो ठान लेती है मन में, हर बाधा को अपनी हिम्मत से तोड़कर विजय का ताज सजाती है। काबिलियत उसकी पहचान है जन्म से, वो हर मंजिल हासिल कर सकती है। जब अपनी शक्ति को वो पहचाने तब वो दुर्गा कहलाती है।